तो हेलो गाइस, कैसे हो सारे? क्या हाल है सबके? वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस, जैसे कि आप सबने देखा ही होगा थंबनेल में, आपको पता लग ही गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो फैमिली फंक्शन ऑलमोस्ट सारे के सारे निपट चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। मैंने मैनिफेस्ट किया हुआ था कि फैमिली फंक्शन के बाद मैं किसी मंदिर में जाऊँ। दो चार लिस्ट में थे मेरे एडिट, मैंने किए हुए थे कि यहाँ पर जाऊँ, बट जहाँ से भी पहले बुलावा आ जाए हम तो वहीं के हो जाएंगे। वहीं जा रहे हैं गाइस। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बागेश्वर धाम बालाजी। चलो चलते हैं, नीचे हमारे ड्राइवर वेट कर रहे हैं भाई साहब जी। गाड़ी में बैठते हैं, फिर पहले दीदी के यहाँ जाना है, अभी दीदी के घर जाना है, फिर वहाँ से डायरेक्ट हम लोग निकलेंगे धाम के लिए। टाटा, नीचे वेट कर रहे हैं सब लोग, ठीक है? टाटा टाटा, सी यू इन द कार। बालाजी की जय, बालाजी की जय। चलो भाई जी, अब चलते हैं दीदी के यहाँ, वहाँ से थोड़ी देर रुक के मिल के सबसे, फिर उसके बाद निकलते हैं धाम पे। तो हम अंकल के घर पे आ चुके हैं, और ये रहे अंकल जी। अंकल जी नमस्ते। तो ये रहे अंकल जी, मोदी जी से भी मिले हैं। अंकल जी बताइए, आप एक बार बता दीजिए सबको कि आप मिलना कैसे हुआ मोदी जी से? मोदी जी से वैसे तो कई बार मुलाकात हुई है। हाँ, और इसके पहले भी जो मैं विधायक था उस समय भी मुलाकात हुई। अच्छा, लेकिन अभी लेटेस्ट जो प्रधानमंत्री बने, हाँ हाँ हाँ, तीन चार बार मुलाकात हो चुकी है। तीन चार बार ऑलरेडी हो चुकी है खजुराहो में मुलाकात अंकल जी की। अच्छा, तो चलिए एक बार पुराने रिकॉर्ड चेक करते हैं अंकल जी, क्या बात ये है। अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। अच्छा, ये पहला जब चुनाव लड़े थे हमारे पिताजी भी थे। हाँ हाँ हाँ, ये मुरली मनोहर जोशी जी है। अच्छा, ये यहाँ के राज्यपाल है वो भी है। यहाँ के मुख्यमंत्री जी है उनका तस्वीर है। क्या बात, ये संघ के राष्ट्रीय कार्यसमिति में पिताजी पूरे प्रदेश के संविधान जी थे, मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल वगैरह है, एमपी के सारे मंत्रिमंडल है, मुझे उनके साथ में हमारे घर पे कार्यक्रम था उसी में। अच्छा वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात। अब अंदर चलते हैं, अंकल का व्लॉग बना रहा हूँ मैं। चलो चलो चलो, अडवाणी जी इधर दिल्ली। अडवाणी जी यहाँ, अडवाणी जी। अच्छा, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर, मुख्यमंत्री जी, ये जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्या बात है, पार्टी के जनसंघ के संस्थापक, क्या बात है, क्या बात है जी, उसके मेंबर से। ये मोदी जी का दूसरा चित्र। अच्छा, एक और फिर से अभी लेटेस्ट, ये अभी अभी हाल फिलहाल में अंकल मिल के आए हैं। ये तो वहाँ का तस्वीर, संघ के सरसंघ चालक रहे हैं। अच्छा, सुदर्शन जी, सुदर्शन जी आप घर पे आए थे उस समय का। ओके ओके, ये विधानसभा का है जब विधायक थे। अच्छा, पूरे विधायक गए। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उठ जाइए भैया जी, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। गाइस, अभी मैं थोड़ा इन लोगों का घर का टूर दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो भी जैसा है, और फटाफट से करके अभी दीदी का भी कमरा दिखाऊंगा जो ऊपर है, और अंकल के साथ अभी इनका पूरा घर घूम लेते हैं, फिर उसके बाद दिखाता हूँ आपको सब कुछ एक एक करके सब। चलो जी, कुछ है खिलाने के लिए? है कुछ, ले लो। अंकल गाय भी पालते हैं, क्या बात है, वाओ। चलो 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 चलो, आराम से आ जाओ। मैं, अरे इसको इसको कोई नहीं पूछ रहा बेचारे को, इस बेचारे को भी पूछ लो यार कोई। गुजराती गाय, गिर गाय, हाँ, सींग से। हाँ हाँ हाँ, यस ओके। और कुछ, और कुछ गाय के बारे में, नाम क्या है, नाम क्या, इनका नाम भी रखा हुआ है। नंदिनी किसका नाम है? नंदिनी कौन है? नंदिनी, ये नंदिनी है। और ये नंदिनी है, ये राधिका है। मुझे को पता होगा, राधिका है। बाकी व्यवहार शुभ्य है। चलो 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 चलो, अब गाइस आपको रूम टूर कराता हूँ, दीदी और जीजू का कमरा दिखाते हैं चल के। चलो चलो, लाइट्स ऑन करना दीदी। तो अभी तो थोड़ा मेस्ड अप है, बट कोई नहीं, बहुत प्यारा है। और जीजू का स्टैंड हमेशा साथ ही रहता है इनके।
नाइस, अच्छा कमरा है। ओह बालकनी भी है, क्या बात है, वाह यार नाइस, क्या व्यू है भाई। देखो ऐसा मिलेगा कहीं नोएडा दिल्ली में? मिल रहा है दिल्ली एनसीआर में ऐसा व्यू? कहीं नहीं मिलेगा, यहीं पे मिलेगा, छतरपुर में मिलेगा, छतरपुर में। भाई देखो भाई, घर का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस क्या होता है? लोग कहते हैं मंदिर होता है ना मम्मी, मंदिर होता है, लेकिन लोगों के लिए वॉशरूम है, वॉशरूम है अंकल के लिए, ठीक है। वाह भाई क्या बात है, आलीशान, नाइस। अच्छा इसका अभी पन्नी भी नहीं उतरा, धीरे उतारेंगे, लाइट्स भी जलती है। ओह वाह नाइस नाइस नाइस, डुकचुक डुकचुक, डीजे डीजे हो रहा है ये तो। अच्छा बाथटब भी लगेगा, नाइस नाइस। देखो जी ये घर पे ही है, शोरूम है इनका, तो अगर मन्नत फर्नीचर नाम है इनके कंपनी का, शोरूम है ये प्रॉपर, ये इनके पिताजी हैं अंकल जी के, नाइस बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो भाई किसी को भी फर्नीचर बनवाना हो, छतरपुर से ऑर्डर करवाना हो, तो अंकल से कांटेक्ट करना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नंबर वगैरह सारा दे दूंगा। नाइस, प्रमोशन भी हो गया, ठीक है गाइस। किसी को भी अगर कुछ भी चाहिए यहाँ से तो डिस्काउंट तो बढ़िया मिलेगा ही मिलेगा, और कर देना भाई ऑर्डर, कर देना घर परिवार के लिए, कर देना, अपने लिए तो नहीं लेते हो, तो घर परिवार वालों के लिए ले लेना। बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है, अब अपने रामलला के खातिर इतना ना कर पाओगे, और शबरी का जूटा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा, बुद्ध भी जिसकी इच्छाओं में बैठे वैसा पीपल बनना होगा, बनना होगा ये सब कुछ, और वो भी शून्य में रहकर प्यारे, तभी तुमको पता चलेगा कि कितने अद्भुत राम। आ जाओ आ जाओ। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इनके बाबा जी के धाम पे पहुंच चुके हैं। अब ये देखो ये पूरा इनका एरिया है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अच्छे तरीके से बना नहीं है, जितना बना है काफ़ी अच्छा व्यवस्था है, बढ़िया है, लोग वाग आ रहे हैं जा रहे हैं, अच्छी खासी भीड़ है, और बस चल के अब दर्शन हो जाए किसी तरीके से, बाबा जी का दर्शन हो जाए, फिर तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। लाइक इस साल का सबसे पहला दर्शन, और वो भी बालाजी के यहाँ, वाओ अमेजिंग, लाइक अनबिलीवेबल है ये तो मेरे लिए भाई। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इनसे अभी दर्शन ले भी पाऊँगा, और अब ये हो रहा है, इट्स हैपनिंग, इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। तो जय बाबा जी की। पहुँच गए, पहुँच गए बाबा जी के यहाँ, ये रहे, ये रही एंट्री बाबा जी की, बोलो जय बाला जी, जय बाला जी। अच्छा अभी हम आपको उस पेड़ पे लेके चलते हैं जहाँ पे ये मान्यता प्राप्त है कि अगर आप इस पेड़ पे माथा टेकते हैं तो सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है, ये वो पेड़ है। जाओ मम्मी। अच्छा गाइस यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, जितना दर्शन होना था सबने कर दिया दर्शन, आपने भी कभी दर्शन करा दिया, तो बस इतने से के लिए खुश रहना सभी लोग, ठीक है। और अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके चलो गाइस, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, और इस ब्लॉग को फैला दो, और अपने घर परिवार में जहाँ तक भेज सकते हो, जिस सब तक भेज सकते हो, सबके दर्शन करवा दो, जो जा नहीं पाता, जो आ नहीं सकता यहाँ तक, उन सबको भेज दो ताकि सबके दर्शन हो जाए। और चलो अब मैं चलता हूँ, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बोलो जय श्री राम।